हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपको अदा शर्मा की स्टारर मूवी द केरला स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी टीजर आने के समय से ही विवादों में आ गई है। सोशल मीडिया पर जहां कई लोगों ने फिल्म की आलोचना की, वहीं बहुत लोगों ने इसे सपोर्ट भी किया। शुक्रवार को आखिरकार थिएटर में द केरला स्टोरी रिलीज हो गई। फिल्म ने पहले ही दिन की कमाई से चौंका दिया। ढेर सारे विवादों और बैन की मांगों के बीच सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरला स्टोरी शुक्रवार को थिएटर में रिलीज हो गई। ये फिल्म केरला की लड़कियों को धार्मिक झांसे में लेकर ISIS जैसी भयानक आतंकी संगठन से जोड़ने की कहानी बताने का दावा करती है। द केरला स्टोरी ट्रेलर में एक तरफ कहा गया है कि फिल्म इस घटना से गुजरने वाली लड़कियों की कहानी है, वहीं दूसरी तरफ दावा किया गया कि केरला में हजारों लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, इनकी वजह से ही फिल्म को लेकर विवाद हुआ। ओपनिंग इतनी सॉलिड है कि कई रिपोर्टर्स तो इसे पहले ही दिन हिट घोषित कर रही है। शुक्रवार के बॉक्स ऑफिस बिजनेस के रिपोर्टर्स का अनुमान कहता है कि द केरला स्टोरी को 8.03 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली है। द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह है, जिन्होंने नमस्ते लंदन जैसी फिल्म डायरेक्ट की है और हॉलीडे, फोर्स, कमांडो जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। द केरला स्टोरी विवादों के बीच थिएटर्स में रिलीज हुई, लेकिन विवादों के चलते बना माहौल बॉक्स ऑफिस पर द केरला स्टोरी को बहुत मदद करता नजर आ रहा था। शुक्रवार की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स आने लगी है और ये बता रही है कि अदा शर्मा स्टारर फिल्म ने पहले ही दिन धुआंधार कमाई की है। अदा शर्मा स्टारर द केरला स्टोरी का ओपनिंग कलेक्शन सभी की उम्मीदों से बहुत ज्यादा है। इसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ी रिलीज नहीं थी, मगर फिल्म को लेकर लगातार चल रही चर्चाओं ने इसे अच्छा माहौल दिया है, इसलिए फिल्म को पहले दिन इतनी जोरदार ओपनिंग मिली है। रिपोर्टर्स बताती है कि द केरला स्टोरी के लिए शनिवार को भी अच्छी एडवांस बुकिंग है और दूसरे दिन फिल्म की कमाई और बढ़ने वाली है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में एक शानदार लैंडमार्क बन चुकी है। इस फिल्म ने पहले दिन 3 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन कंटेंट के लिए विवाद झेल रही इस फिल्म को जनता ने खूब पसंद किया और अनुपम खेर स्टारर इस फिल्म ने इंडिया में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन किया। द केरला स्टोरी की कहानी का आइडिया उसी तरह विवादित है जैसे द कश्मीर फाइल्स का था, मगर अदा शर्मा की फिल्म ने पहले दिन द कश्मीर फाइल से दुगनी कमाई की है। वीकेंड में फिल्म की कमाई यकीनन और ज्यादा बढ़ेगी। फिल्म की बुकिंग चेक करने पर पता चलता है कि जनता के रिस्पांस देखते हुए कई थिएटर शो बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में द केरला स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा धमाका करती है। अगर फिल्म इन हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।